हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रो बॉय 1T। आज हम एक नई वीडियो के बारे में बात करेंगे, और उससे पहले बताना चाहता हूँ मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं बना था क्योंकि हमारे यहाँ पर भी लॉकडाउन चल रहा है और आगे वीडियो आते रहेंगे। और इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो टॉप 5 परफॉर्मेंस बाइक जो 400 के कैटेगरी में आता है उसके बारे में बात करेंगे। इस कंपैरिजन में मैं जो भी आपको मेरे ओपिनियन में आपको बताऊंगा, आप कोई भी ऑफेंड मत होना क्योंकि सबकी अलग अलग चॉइस होती है। जो मेरे को सही लगता है मैं वही बताऊंगा, और ऐसे मेरा कोई अगर फेवरेट बाइक होगा तो सभी का तो ऐसा नहीं हो सकता ना, तो वो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और मेरे हिसाब से जो नंबर 1 पे आता है टॉप 1 पे 400 कैटेगरी में वो निंजा 400 आता है। सिर्फ परफॉर्मेंस के मतलब देखा जाए तो उसमें आता निंजा 400 इसकी सेगमेंट की सबसे ज़्यादा पावरफुल बाइक है। इसमें 48 BHP के साथ 38 Nm टॉर्क मिलता है, और मुझे इस बाइक में जो सबसे अच्छा लगता है वो इसका इंजन है। वो पैरेलल ट्विन डुअल सिलेंडर इंजन मिलता है और बाकी सब कुछ अच्छा है। बस इसका थोड़ी एक ही मतलब जो अच्छा नहीं लगता है वो है उसका प्राइसिंग। अगर आप कोई 400 सेगमेंट की बाइक को आप अगर 5 लाख के करीब लगते हो उसका प्राइस, तो वो वैल्यू फॉर मनी तो नहीं होता। इसलिए आपको निंजा 400 भी बहुत कम दिखने को मिलते हैं मार्केट पे, और इसका इंजन ही सबसे अच्छा है, बाकी सब एवरेज है। और नंबर 2 की बात कर रहे थे तो आपको ही तो पता होगा RC390 और Duke 390, ये दोनों मेरे को लगता है सबसे अच्छे बाइक है। और अगर ये वीडियो परफॉर्मेंस के बेसिस पर है तो इसलिए निंजा 400 को एक नंबर पे रखना पड़ा, और इस वीडियो में मैं 2 नंबर पे Duke 390 और RC390 को रखना चाहूँगा। अगर इस सेगमेंट की कोई भी आपको टॉप मतलब स्पेसिफिकेशन बाइक चाहिए, की फीचर जो भी चाहिए, इस बाइक में भरा भरा रखा हुआ है। 390 का जो रेंज है इसमें आपको सब कुछ मिल जाता है। जैसे आपको अगर कोई नेकेड बाइक चाहिए तो आपको ड्यूक तो मिल ही रहा है। अगर आपको ट्रैक राइडिंग और ज़्यादा स्पोर्टी चाहिए तो RC मिल रहा है। और आपको एडवेंचर करना है थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब ऑफ रोडिंग भी करना है, इसके लिए आपको एडवेंचर भी मिल रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मतलब इसमें आपको मतलब जितनी भी सेगमेंट में गाड़ियाँ हैं उसमें से ज़्यादा फीचर मिलता है। सेगमेंट में सबको सबसे अच्छा ब्रेक मिलता है, सबसे अच्छी हैंडलिंग मिलती है, मतलब बाकी सब कुछ बेस्ट मिलता है। क्योंकि इसको मैं एक नंबर पे यूं इसलिए नहीं रखा क्योंकि इसमें जो परफॉर्मेंस है वो निंजा 400 की अच्छा है। इसमें ABS मिलता है, 2-3 प्रकार का आता है, जैसे कि कॉर्नरिंग ABS भी आता है और सुपर मोटो ABS भी आता है, जिसमें आप रियर व्हील को ऑफ भी कर सकते हो। जैसे आपको अगर ऑफ रोडिंग में जाना है तो आप रियर व्हील को ऑफ कर सकते हो ABS। और इसमें जैसे आप देखे होंगे तो ड्यूक में क्विक शिफ्टर भी आता है जो कि इस सेगमेंट का फास्ट होता है, और बाकी सर बहुत सारे फीचर से भरा हुआ है। और इसलिए हम मतलब मेरे जो चॉइस है वो ड्यूक के जो सारे तीनों रेंज आते हैं उसको मैंने 2 नंबर पे रखा है। अब बात करते हैं नंबर तीन पे जो बाइक आता है वो है यामाहा R3। और ये जो बाइक है इतनी ब्यूटीफुल बाइक है तो मेरे को भी तो बहुत ज़्यादा मतलब पसंद आता है। और इसके जो सबसे बड़ा ये है उसका इंजन, और पैरेलल ट्विन डुअल सिलेंडर इंजन मिलता है जिसमें आपको 42 BHP के साथ 29.9 Nm टॉर्क का मिलता है। और ये बाइक इतनी अच्छी लो एंड से लेके टॉप एंड तक इतना अच्छा पुल करता है मतलब पूछो ही मत। और ये बाइक का जो मतलब राइडिंग स्ट्रक्चर है वो थोड़ा मतलब आप टूरिंग वूरिंग भी कर सकते हैं आपके। और एक ही जो सबसे बड़ा मुझे अच्छा लगा वो इसका इंजन, और बाकी जैसे यामा इसको थोड़ा ज़्यादा अपडेट नहीं देता क्योंकि अभी तक इसका कोई भी BS6 मॉडल नहीं आया है। और इसमें थोड़े फीचर वगैरह जैसे मतलब सिर्फ ABS को छोड़ के कोई भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आता है, और इसको यामा थोड़ा इंक्लूड करना चाहिए। और इंडिया में बहुत ज़्यादा फैन है R3 के, पर यामाहा उसको लॉन्च नहीं करता BS6। और ऐसे ये नंबर 3 पे था, उसके बारे में कुछ बोलने के लिए कुछ ज़्यादा बचा भी नहीं है क्योंकि इसका जो सबसे मेरे को तो जो सबसे अच्छा लगता है वो इसका इंजन है। क्योंकि और थोड़ा हैंडलिंग भी इतना शार्प नहीं है, जैसे RC में शार्प हैंडलिंग आता है उसके लेवल का हैंडलिंग तो नहीं आता है। पर ये एक बात जहाँ मतलब RC को बीट करता है वो उसका टॉप एंड में,
डुअल्स डेफिनेटली होगा, क्योंकि डुअल सिलेंडर होगा तो टॉप एंड तो अच्छा होने वाला है, और इसलिए मैं इसको 3 नंबर पे रखा। नंबर 4 में बात करेंगे हम कावासाकी निंजा 300 के बारे में। और 300 एक बहुत ही अच्छी बाइक है। इसमें भी जो सेम प्रॉब्लम है R3 की तरह, इसका जो इंजन ही मतलब बहुत अच्छा है, और निंजा 400 की तरह ये उतना भी ओवर प्राइज नहीं है जितना एक 300 से 400 के कैटेगरी के बाइक होना चाहिए उतना ही है, और इसलिए मैं इसको 4 नंबर पे रख रहा हूँ। और इसमें भी सेम डुअल सिलेंडर इंजन आता है, और ये प्रोड्यूस करता है 38 BHP और 26 Nm टॉर्क। और अभी अभी उसका BS6 तो लॉन्च हो चुका है जैसे आपको पता होगा, और उसका जो प्राइस है वो 3,18,000 है। तो ये थोड़ी मतलब उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है वो RC मतलब जो निंजा 400 की तरह, और सही है। इसका भी वैसे टॉप एंड बहुत अच्छा है, और ये एक बहुत ही लीजेंडर बाइक रह चुका है, बहुत लोगों का फेवरेट ये भी है निंजा 300। R5 है नॉन अदर देन अपाची RR 310। इस बाइक पे जो आपको फीचर और जो इसका परफॉर्मेंस वो मिलता है वो एक 300 के रेंज के बाइक के हिसाब से बहुत अच्छा है। जैसे आपको पता होगा ये जो इंजन है इसका वो BMW के साथ TVS ने टाई अप करके बनाया था, और ये एक रिवर्स इंक्लाइंड इंजन है, तो ये प्रोड्यूस करता है 35 BHP और 27 Nm का टॉर्क। और इस बाइक में ऐसा मतलब बहुत सारे फीचर है जो सेगमेंट फास्ट भी है, जैसे इसमें राइडिंग मोड आता है, और ये इस बाइक का लुक जो बहुत ही अच्छा है, जो मेरे को तो इसमें लुक वाइज ये बाइक सबसे अच्छा है, क्योंकि ये जो लुक है वो थोड़ा थोड़ा मतलब डुकाटी का मतलब इंस्पायर्ड है। और आपको बाई LED का सेटअप मिल जाता है, और पीछे जो टेल सेक्शन है तो इतना ज़्यादा सेक्सी लगता है। और इस बाइक में आपको और मतलब 5 इंच का एक TFT डिस्प्ले मिलता है, जैसे ड्यूक में आपको मिलता है। इस सेगमेंट में और भी बाइक आते हैं जैसे डोमिनार 400 और BMW 310 और 310 GS। और डोमिनार 400 एक बहुत ही अच्छी बाइक है, जिसमें आपको अगर आपका मतलब आपका मेन काम आपको टूरिंग है तो वो बाइक आपके लिए तो बेस्ट है। और बात करूँ G310 के बारे में, जो BMW G310 है वो बाइक अच्छा है, पर वो एक नेकेड के हिसाब से अगर देखा तो आप जो मात खा जाती है वो है परफॉर्मेंस में, जैसे ड्यूक का परफॉर्मेंस उसका अच्छा है। और GS के बारे में बात करूँ तो वो उसका सस्पेंशन बहुत अच्छा है एक ऑफ रोडिंग बाइक के लिए, और उसका जो लो एंड परफॉर्मेंस है मतलब उसका जो टॉर्क बैंड है वो बहुत अच्छा है। और अगर आपको मतलब ज़्यादा हार्डकोर ऑफ रोडिंग करनी है तो वो ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा अच्छा चॉइस रहेगा एडवेंचर से, क्योंकि एडवेंचर का जो सस्पेंशन है वो थोड़ा स्टीप है, और इसका थोड़ा मतलब उससे ज़्यादा सॉफ्ट है। और BMW है तो आपको अगर आपको कोई ब्रांड वैल्यू दिखा नहीं तो आप वो ले सकते हैं, और बाकी थोड़ा सर्विस कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, और देख लेना आपके पास अगर बजट है हो तो आप ले लेना। और ये रही जो मेरा टॉप 5 का लिस्ट था, अगर आपको अच्छा लगा तो बता देना, मतलब कोई ऑफेंड मत होना क्योंकि सबका के अलग अलग ओपिनियन रहता है, जो मेरा मतलब ओपिनियन था मैं आपको बता चुका हूँ। और बाकी आगे वीडियो आते रहेंगे, अभी तो लॉकडाउन है इसलिए घर से बाहर तो नहीं जा सकती, इसलिए जो घर में रह के जो वीडियो बना सकता हूँ वो भी बनाया है, और थोड़ा भाई को थोड़ा सपोर्ट कर देना, ये शायद नंबर 2 या 3 वीडियो होगा, इसलिए थोड़ा मतलब आवाज़ ज़्यादा आ रहा हो तो भाई को थोड़ा संभाल लेना। और चलते हैं गाइस, बाय बाय, लव यू, और सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, बाय।